बिल्कुल और बिहार की राजनीति में अभी सब कुछ कह सकते हैं कि परफेक्ट नहीं चल रहा है क्योंकि भले ही सरकार बन गई हो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एक बार फिर बन गए हो लेकिन जो उनके सहयोगी दल हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों क्योंकि माझी पहले भी आपको याद होगा उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे कहीं और से भी बड़ा ऑफर है और यहाँ तक कि सीएम बनाने तक का भी मुझे ऑफर दिया जा रहा है तो ऐसे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर वो एनडीए में जा रहे हैं तो एनडीए उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है बल्कि वो एन के ऊपर एहसान करते हुए नजर आ रहे हैं पहली बात दूसरी बात यह कि चलिए अगर इस बात को हम छोड़ भी दें तो आने वाले वक्त में जब लोकसभा चुनाव होंगे तब भी मांझी को आप यू ही दरकिनार कर दोगे और जो वो कह रहे हैं कम कम से दो दो सीटें सीटें चाहिए अगर सीटे आप उनको देते हो तो चिराग पासवान को कितनी सीटें आप दोगे उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेंगी तो ये जो जाल कहीं ना कहीं बिजता हुआ नजर आ रहा है बिहार के अंदर खासकर जो एनडीए ने कह सकते हैं कि पूरा घपलेबाजी कर दी है तो वही इसमें पूरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है क्योंकि सबको मनाना सबको साथ लेकर चलना मेरे ख्याल से उनके बस की बात भी नहीं है अच्छा, मैं पर आपको रोकना चाहूंगी देखिए अगर बात करें इस नए गठबंधन की

का ये रहा है और ऐसे में ये कहना कि नीतीश कुमार की प्रभावी पहले से ही रहे हैं और देखिए बीजेपी की तरफ से जो सम्राट चौधरी आपको अगर याद हो तो उन्होंने ये बात कही थी कि इस बार जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी के खेमे से बनेगा लेकिन जब बातचीत होती है तो मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश कुमार ही बन जाते हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि बीजेपी भी सत्ता में आने के लिए क्या कुछ नहीं करती उन्होंने कहा कि चलिए आप अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो हमारे दो उप मुख्यमंत्री होने चाहिए बल्कि बल्कि उससे पहले अगर आप देखें तो चिराग पासवान ने भी कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि वो भी उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बनने की उनकी जो है लगातार मांग है अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और जितिन के जो बेटे हैं संतोष सुमन उनका भी इस कहीं कहीं ना सामने आया लेकिन अब जो ये लोग नाराज़ नाराज़ हैं बात से है खासकर और चिराग की भाई आपने निर्दलीय को क्यों मंत्री बना दिया जबकि जरूरत नहीं थी बहुमत पूरा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जो है अन्याय करते हुए नजर आ रहे हो क्योंकि ये सुमित सिंह जो है वही है जमुई से चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो कई तरह के आप कह सकते हैं कि इसमें उलझने पैदा होती हुई दिखाई पड़ रही है ऐसे में क्या नीतीश कुमार जब फ्लोर टेस्ट होगा तो क्या सबको मना पाएंगे क्योंकि वैसे ही पहले उनके ही पार्टी में कहीं ना कहीं दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं आप देखें गोपाल मंडल जिस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर उनको जो पांच करोड़ ऑफर हुए तो वो जरूर ले लेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अंदर खाने में जेडीयू के भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है आने वाले दिनों में जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उनकी मुश्किलें बढ़